नमस्कार, आप सभी का हमारे यूपी रेस चैनल में स्वागत है। दर्शक, आपको यह वीडियो उस टाइम की दिखाने जा रहा हूं जो 5 नवंबर 2023 को मऊ ज़िला में रेस कराई गई, घोड़ों का चेतक प्रतियोगिता कराया गया। उसमें सभी घोड़े कई ज़िलों से अपना प्रतिभागी बनने के लिए आए थे। उन लोगों का यह वीडियो सभी घोड़ों का आप सभी को दिखा रहा हूँ। सारे घोड़े जितने आए थे रेस में प्रतिभागी बनने के लिए, भाग लेने के लिए, अपने अपने स्थान पे खड़े हैं, बधे हुए हैं, चारा पानी सब खा पी रहे हैं। मैं उन्हीं सभी का वीडियो आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ जो तमाम घोड़े आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी के और अच्छे अच्छे बॉडी कंडीशन जो आपको दिखाई दे रहा है। घोड़े का नस्ल और अच्छा कलर दिखाई भी दे रहा है। इस वीडियो में आप पूरी तरह से भली भांति परख करेंगे कौन घोड़ा कितना नस्ल में अच्छा है, कौन घोड़े का कितना खूबसूरत शरीर यानी बॉडी देखने के लिए अच्छा लग रहा है। आप हर एक घोड़े का तमाम आकलन अंदाज़ा करेंगे। हम सबका इस वीडियो में रिकॉर्डिंग किया हूं और आप सभी को दिखाने के लिए कि आप भी अपना अंदाज़ा अनुभव ज़रूर लगाएँ कि नस्ल और कलर कितना मायने रखता है घोड़ों का और कितना खूबसूरत लग रहे हैं सभी। तो मऊ ज़िला के रेस में यह तमाम घोड़े सभी आए थे हर एक स्टेट से, और आपको और आगे हम मिलाते रहेंगे जितने तमाम रेस होने वाली हैं और अच्छे अच्छे मेला जो लगने वाला है और लग रहा है, चल रहा है। मैं सबका भी नोटिफिकेशन जल्द ही प्राप्त करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा, और आप सभी हमारे चैनल के साथ दर्शक बने रहें और तमाम घोड़ों का वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे तक आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद। सब ये नहीं है देखा कहाँ घर बिहान चल खा के आओ थी घर में से बहन अभी घर में से खा के आओ ठीक है। हालत खराब कर दिया लेकिन बहुत है एयर इंडिया के अध्यक्ष हम लोग के गार्जियन हैं और पितामह हैं खेल प्रोत्साहन के। ओम प्रकाश पांडे जी जो ही बता रहे थे, हम लोग अपने 58 ईयर हुआ एक पहली बार पांचर में, तो मैं नहीं कह सकता कि बलिया देवरी गला में हर होता है, लेकिन मऊ जनपद के लिए ऐतिहासिक चीज है। जैसा कि ओम प्रकाश पांडे बताए मार्केटिंग के लिए होता है, यहाँ मार्केटिंग आने का और चढ़ने का मौका है। ठीक रहे साथ ही वह यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी जो अक्सर थोड़ा पीछे रहते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आप आगे रहिए। रितेश अग्रवाल जी का हम लोगों के बीच में आगमन हुआ है। हम आयोजन समिति की तरफ से चकबनी बा हटत नहीं जितने भी घोड़ा सवार उनके साथ के लोग हैं, एक आवश्यक सुसज्जित के जरूर किया ने जहाँ जहाँ आपको भोजन करने के लिए कहा है, और रास्ता कृपया देखिए अवस्था या उस्ताद लोई जो बैठन कृपया
मेला बाजार है बहुत घोड़ा है ना हाँ मेला थोड़े बार रेस बात रेसे न तीन नहीं है लेकिन जो आए हूँ कुल ठीक है हाँ रेसियो ठीक है इनाम आइए आइए आपका आगमन है आइए हाँ भैया कि ना तो बहुत का हाल बा बढ़िया बढ़िया सब कुछ बीत रहल बा भैया आजमगढ़ का घोड़ा का हां बाबा को बार बंकी हम चोर लिए ना तो निमन नहीं हां हां रना सा रहले हम पूरा घूम लिए कुछ क्षेत्र तब का सही के लिए से लग पतो रे मो घोड़ा ठीक है यो कहाँ घोड़ा भैया मुबारक उर्ग अर्जल है ना लैकर यहाँ खड़ा है ना गोरका उनिया वाला वही से हो गया एक पकड़ वही कही घोड़ा पूरा हो गया ठीक है पहलवान जी का तोरी बचाओ भर को बड़ी छोट सब पर धुरंधर है वहाँ ना सब ठीक आपके साथ बाहर खड़े हैं या अंदर आ जाए इसलिए अंदर बहुत बड़ा है बांधने के लिए बैठा है अभी और